इनहेरिटेंस का ख्याल तब आया जब हम काफ़ी दफ़ा जब साथ में हम कॉन्सर्ट्स करते थे और आई यूज़ टू सिंग बाबुल मोरा ऑफन एंड आई यूज़ टू सिंग मैंने लाखों के बोल सहे एंड दीपक जी ने हमेशा मुझे बहुत एनकरेज किया है टुवर्ड्स इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और मेरे दिल के करीब तो हमेशा से था ही एंड इतनी बार गाने के बाद में ही वन सेट कि चलो ये रिकॉर्ड करते हैं एंड देन सूफी स्कोर का सहारा मिलने से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया और इसमें बाबुल मोरा मैंने लाखों के बोल सहे के अलावा दो ठुमरीज और हम लोगों ने इंसर्ट किया है सैया बिना घर सुना जो कि राजीव भाई साहब ने हमें इंट्रोड्यूस किया आपको तो नहीं पर मुझे इंट्रोड्यूस किया उस ठुमरी से एंड देर इज़ वन मोर ठुमरी दैट इज़ हमरी अटरिया पे विच इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंगस्ट पीपल लेकिन हम लोगों ने ट्रेडिशनल ठुमरीज़ को कोशिश की है रिक्रिएट करने की एंड वी हैव ट्राइड कि हम इसका नाम इनहेरिटेंस इसीलिए रखा है ताकि यू नो हमारी जो हम हमारे साथ और हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है वेर यू नो पीपल जस्ट वॉन्ट टू हैव जस्ट that one song which is trending and they want to get famous overnight but humne thoda sa kathin rasta ikhtiyar kiya hai and koshish rahegi ki hamara jo indian classical music hai which is our base that reaches to the next generation and we have to value we should value the roots and that is we've tried in inheritance rest deepak ji will tell completely agree with you ji ji जो अभी इन्होंने कहा बिल्कुल कि जो नेक्स्ट जनरेशन है तो ये हम सबकी ही ड्यूटी बनती है कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज बनता है कि उन्हें हम रूबरू कराएं अपने कल्चर से अपने आर्ट से अपने क्लासिकल म्यूज़िक से तो ये सोच के साथ ये एल्बम की शुरुआत हुई और दूसरी चीज़ क्लासिकल म्यूज़िक हम दोनों का पसंदीदा सब्जेक्ट है तो उससे भी हम बिल्कुल मतलब पीछे नहीं हट सकते प्लस जो कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी तो उन लोगों के लिए ख़ास करके क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक का हर म्यूज़िक अपना एक चलन होता है एक फॉर्मेट होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है आलाप देन विस्तार फिर बंदिश तो उसमें इतना अभी लोगों के पास मेरे को लगता है शायद टाइम नहीं है कि पेशेंस नहीं है पेशेंस की भी तो इसमें जो इस एल्बम की जो ब्यूटी है कि बाबुल मोरा नैहर छोटो जाए अब ये कम से कम 100-150 साल पुरानी रचना है मतलब वाजिद अली शाह कहिए आप या सैगल साहब या भीमसेन जोशी जी तो हमने सबको सुना और महीनों भर सुना फिर उसके बाद मैं बहुत से लोगों को पता है कि आई यूज़ टू प्ले वायलिन विथ जगजीत जी आई यूज़ टू कॉल हिम अंकल तो उनके साथ मेरी जर्नी रही मैं व्हेन आई वाज 15 और 16 तो मैंने उनको उनके साथ स्टेज पे बजाना शुरू किया था वायलिन वो हर प्रोग्राम का एंड जो करते थे भैरवी से करते थे मैं इसलिए थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ कि ये बताना ज़रूरी है तो वो बाबुल मोरा से प्रोग्राम का समापन करते थे एंड करते थे
हर कलाकार ने अपने तरीके से बाबुल मोरा गाया है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कि उसका राग ना ख़राब हो, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक की जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे कि राग के अंदर रहना और राग के अलग नहीं जाना। तो जगजी जी के साथ मैंने करीबन 18-19 साल की 20 साल की जो भी मेरी जर्नी रही उसमें मैंने बाबुल मोरा बहुत करीब से सुना उनसे, तो कुछ उनसे चीज़ें ली, कुछ भीमसेन जोशी जी से ली, कुछ सहगल साहब से ली, वाजिद अली शाह साहब का तो है ही, मतलब ये जो कहना चाहिए बाबुल मोरा जो शुरुआत ही हुई है उनसे ही हुई है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कि कल के दिन कहीं ऐसा ना हो, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर आप थोड़ी भी 19-20 करो तो आपका लोग गला पकड़ लेंगे, तो उसको मेंटेन रखते हुए, राग को मेंटेन रखते हुए, उसकी बढ़त का, उसके शब्द का, उसका, अब बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए, बेसिकली ये एक विदाई सॉन्ग है, तो इसमें बड़े इमोशंस और वो सब वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो हमने तानपुरा तबला रखा है, लेकिन साथ में इसकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो पूरा बुदापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ की है, सो वो एक नयापन है उसका, और उसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही करेक्ट हुई है, अगर थोड़ा भी 19-20 हो अगर तो वो ख़राब हो जाएगा, फ्यूजन से कन्फ्यूजन होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सही बात। तो सिम्फोनिक पार्ट, ऑर्केस्ट्रल पार्ट अगर आप सुनेंगे बाबुल मोरा या और जो 3 अलग और ठुमरियाँ हैं इस एल्बम में, तो कहीं भी राग खराब नहीं हुआ है, राग का चलन टूटा नहीं है, साथ के साथ वो उसको इन्हेंस कर रहा है। और इनकी जो गायकी है, प्रतिभा जी की जो गायकी है उसमें पूरी शुद्धता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये राग से अलग चले गए हैं, या हमने जो अपने भी कुछ जो इम्प्रोवाइज वगैरह किए हैं वो भी राग को रखते हुए किए हैं, तो ये एल्बम की ब्यूटी ही ये है। तो हमको लगता है कि शायद ये ऑर्केस्ट्रेशन इसकी ऐसी की है और पेशकश इसकी, पुरानी चीज़ को ही हमने इन शॉर्ट लिबास नया पहनाया है, जो कि आगे वाली जनरेशन उसको सुने और उसको अडॉप्ट करे। जैसे आपने कहा कि चित्रा जी और जगजीत जी का, लता मंगेशकर जी की, सैगल साहब की गायकी, जो गायकी है सबसे फेवरेट उनका ये वाला नैहर छोटो जाई वाला, आपको कौन सा भाग पसंद आता है? इनका गाया हुआ बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, सब अच्छे हैं, लेकिन एक होता ना वो आपके दिल को, बहुत अच्छी बात कही आपने। वाह। मुझे इफ़ वी टॉक अबाउट बाबुल मोरा, आई वुड डेफिनेटली से कि मैं बचपन से जगजीत सिंह साहब का वर्जन सुनती आ रही हूँ और मैं उसी से इंस्पायर्ड हूँ फॉर दिस बाबुल मोरा। पर बेशक हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है, एवरीबडी हु एवर हैज़ रेंडर्ड दिस, उन्होंने अपने हिसाब में बेस्ट उसको रेंडर किया है, और पर मैं इंस्पायर्ड हूँ जगजीत सिंह साहब की रेंडिशन से। तो मेरी कोशिश ये थी कि सबका एक, सबका सुना हुआ एक साथ कंपाइल करके रखूँ, बट बेस मेरे बाबुल मोरा में जगजीत सिंह साहब का ज़्यादा था। हम दोनों का यही सोच था। एट द सेम टाइम मेरी पूछना चाहूँगी, बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय संगीत के लिए, क्लासिकल कह लीजिए, फिल्म को स्पेशली कह लीजिए, या सुगम संगीत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे में बाबुल मोरा गाना इस तरीके से लेके आना, क्या एक संयोग मात्र था या फिर ये ऐसा लगा कि भाई मेरी तरफ से इतना प्यार तो दिया जा सकता? नहीं नहीं, मेरी तरफ से क्या, ये मतलब आपने जैसे अभी बोला ये इतनी बड़ी क्षति है, इट एब्सोल्युटली फील्स लाइक अ वेरी पर्सनल लॉस। हम मेरे जैसे जिलियन लोग होंगे जो लोग दी लता मंगेशकर जी से इंस्पायर्ड थे, हैं और आगे आने वाली कई सदियों तक इंस्पायर होते रहेंगे, एंड लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि जो लता मंगेशकर जी जैसे लोग होते हैं ये कभी मरते नहीं हैं, ये अमर हो जाते हैं। तो वो अपने संगीत के ज़रिए पहले भी हमें ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा हैं और कल भी ज़िंदा रहेंगी, और हमारी इसीलिए ये कोशिश है, इनहेरिटेंस का मतलब ही ये है हमारे लिए कि अगर हमने उस वक्त जब लता जी ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल म्यूज़िक को दिए हैं, शी वॉज़ 92 ईयर्स ओल्ड, एंड उन्होंने 80 ईयर्स अपने समर्पित किए म्यूज़िक को, अगर हम उनके उस म्यूज़िक को नहीं सुनते
तो आज हमें उसकी वैल्यू कैसे होती? दिस इज़ जस्ट वी हैव ट्राइड इन अ डिफरेंट वे कि हमारा जो धरोहर है, जो हमारा बेसिक म्यूज़िक है, जो हमारी रूट है म्यूज़िक में, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसको आज नहीं तो कल हमें बाहर से पता चले. आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि दीपक जी जैसे कि विदेशों में बहुत परफॉर्म करते हैं और इंडियन क्लासिकल परफॉर्म करते हैं. हम सब जानते हैं कि हम भी बॉलीवुड में गाते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत परफॉर्म करते हैं, बट फ्यू पीपल हु हैव इन्हांस्ड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इन वर्ल्ड लेवल. उनमें से एक दीपक जी भी हैं और रविशंकर शुक्ल जी जो कि सितार माइस्ट्रो थे, एंड रविशंकर जी जो हमारे सितार माइस्ट्रो थे, देन जाकिर हुसैन साहब. इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को वर्ल्ड लेवल पे इतना सराहना पहुंचाई है. और उसी तो हमें बाहर इतना प्यार मिलता है इंडियन क्लासिकल के लिए, अपने देश में प्यार की थोड़ी सी अभी फ़िलहाल कमी है. तो हमारी कोशिश ये है कि यू नो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को एक नए लिबास में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू नो एवरीबडी फ्रॉम दिस जनरेशन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन दे ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड दे ट्राई टू रिटेन द रूट्स. एक बात बताइए, यू डोंट लुक लाइक अ टिपिकल क्लासिकल सिंगर, व्हाई एम आस्किंग, क्योंकि जल्दी हम साड़ी में या फिर ऐसे. मैं आपको अभी एग्जैक्टली ये बताने वाली थी कि आई वुड हैव वॉर्न अ साड़ी टुडे, बट आई एम नॉट वेयरिंग अ साड़ी. दैट इज़ जस्ट टू टेल यू दैट मेरे अंदर की जो भारतीय नारी है वो सिर्फ साड़ी में, मेरा जो दिमाग है, जो मेरा मन है, वो पूरा भारतीय है, सिर्फ उसको लिबास चेंज किया है. यही इस बात की एग्जाम्पल है कि हमने जो ठुमरीज हैं वो बिल्कुल प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हैं. उसको हमने बुडापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए और दीपक जी की बहुत ही मॉडर्न अप्रोच उसमें रही है इन प्रोड्यूसिंग द ट्रैक. तो उसके ज़रिए हमने, तो यही वो कनेक्शन है कि मैं साड़ी भी पहन सकती थी आज, लेकिन आई चोज नॉट टू वेयर अ साड़ी एंड स्टिल आई वुड वॉन्ट टू सिंग अ ठुमरी एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सो दैट आई कैन कनेक्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन. आपसे जानना चाहूँगी, वायलिन माइस्ट्रो कहा जा सकता है? नहीं नहीं, माइस्ट्रो इज यू नो बहुत. चलिए, आप दीपक इज फाइन. दीपक जी मुझे बताइए, बहुत डिफिकल्ट होता है वाद्य बजाना और स्पेशली उसको भारतीय तरीके से बजाना. बहुत सारे लोगों ने साउथ में भी कोशिश की है, आज कहाँ उसका भविष्य? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? जी, मेरा नाम रूना है. आपने म्यूज़िक सीखा है 100%? नहीं, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है. तो तभी थोड़ा बहुत उस वजह से तभी ये क्या है कि लोग थोड़ा ईजी गोइंग होता है ना, उसमें आ गए कि शॉर्टकट में, कि प्रोग्रामिंग सीख लो, कीबोर्ड सीख लो, म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन जाओ. वो क्या होता है कि इनकम जल्दी शुरू हो जाती है, इसमें सालों साल रियाज करना पड़ता है इसलिए कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है. बट ऐसा नहीं है, साउथ में है. मैं ये कह सकता हूँ इस समय महाराष्ट्र में, ख़ास करके बॉम्बे और महाराष्ट्र में, मुझे ऐसे नहीं दिख रहे सोलोइस्ट जो क्लासिकल बजा रहे हैं, हमारी जनरेशन के, हमारी बात वाली. एक लड़का अच्छा बजा रहा है, मानस मुखर्जी, बहुत वो बहुत अच्छा मुखर्जी है, मानस नाम है उनका, तो वो है. लेकिन क्या है कि आपका इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी इनकम क्या होने वाली है. आपका काम अगर अच्छा है तो आप कुछ भी करेंगे ना, तो अपने आप सारी चीज़ें, सारी कायनात आपके पीछे आ जाएगी. बट मैं एक चीज़ प्रतिभा जी का बात बढ़ाना चाहूँगा कि ये एल्बम और ये म्यूज़िक ये हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि कुछ आना चाहिए मार्केट में, इसलिए नहीं. हमें 2 साल लगे, लोग हर हफ्ते सिंगल रिलीज़ करते हैं, तो उस भीड़ में हम कहीं नहीं हैं. मैं एक ही बात जल्दी से आपकी बात में बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये कि बहुत सारे लोग हमें पूछते थे कि यू नो आप लोग इतना साथ में काम करते हैं, कब आने वाला है ये? और रिसेंटली हमने काफ़ी कुछ काम किया, जैसे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में हमने रिसेंटली कोई वीडियो शूट किया, उन्होंने पूछा वो कब आने वाला है. हमने कहा ये पता है ये कब शूट हुआ था जो आज रिलीज़ हो रहा है, ये 2 साल पहले शूट हुआ था. तो
इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और यस दीपक जी नाउ प्लीज कंटिन्यू, बिल्कुल सही कहा कि लोग बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि यू नो आज शूट हुआ है तो अगले ही महीने रिलीज हो जाए, और ऐसे ही बहरहाल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन वही वाली बात जो दीपक जी कह रहे हैं, मैं ये बोलने के लिए अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता नहीं, 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 तय करना ऐसा है, मत बोलो, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं कि इसमें बंदिशें भी होती हैं, इसीलिए बंदिश कहा जाता है, जहां राग और ताल में बंद कर गाना पड़ता है और आप राग के बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए उसे बंदिश कहते हैं। वो दायरे में रहना पड़ता है। और हमारा बाकी जिस तरह का म्यूज़िक हम लोग जल्दी से एक चुटकी में जो रिलीज़ हो जाते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप कैसे भी गाना बना लें, गाना तो गाना है, तो वो रिलीज़ हो जाता है। और इस तरह का म्यूज़िक करने में वक्त तो लगता है बिल्कुल। और मैं इसी एल्बम से रिलेटेड कुछ एक दो चीज़ें और बोलना चाहूँगा, आगे शायद भूल जाऊँ मैं, कि ख़ास करके जब आप इस तरह का काम करते हैं जब, तो उसके लिए आपको वो ही वॉइस चाहिए होती है। तो ये मतलब बाजू में बैठी हैं इसलिए नहीं, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सिंगर हैं, बहुत ही बॉलीवुड फिल्म गाना बोलो या बॉलीवुड के शोज़ भी करती हैं, क्लासिकल के भी करती हैं, ठुमरी भी गाती है, गज़ल भी गाती है। तो ये चीज़ें ना कहीं आपको अपनी ज़मीन से बहुत जोड़े रखती है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और काफ़ी कुछ हुआ है लाइफ में, बट एक हर प्रोजेक्ट के लिए, हर कॉम्पोजिशन के लिए, आई वुड से एक वॉइस चाहिए होती है। अगर वो ना मिले तो वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत ये है कि मुझे ऐसी वॉइस मिली है कि मैं जो मेरे दिमाग में जो चलता रहता है वो ये बहुत खूबसूरती से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर आपकी सिंगिंग 440 या परफेक्ट नहीं है, वो मतलब आत्मा बोलो या वर्ड से या एक्सप्रेशन या उसकी बांट या उसका चलन, तो आप कितना ही ऑर्केस्ट्रेशन करो, लंदन फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ करो, न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ करो, किसी के साथ भी करो, वो डब्बा हो जाएगा सारा। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत हुई कि इतना ठहराव वाला काम मुझे नहीं लगता कि अभी कोई गाता है ऐसा, ट्रस्ट मी। तो ये बड़ी मैं अंदर से मतलब जो मेरे अंदर चलता है वही मैं बोलता हूँ मैं। थैंक यू। एक सुरेश जी का फोन आ रहा है। हाँ, सुरेश जी चरण स्पर्श आपको मेरा पाया लगी। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपका इंतज़ार हो रहा है। 7:30, 7:30, 8 बजे। थैंक यू। नहीं, 7:30 से आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो भी टाइम ठीक लगे, 7:30, 8, 9 जो भी टाइम आपको ठीक लगे। ये तो अपना आई थिंक 9 के पहले नहीं होगा। तो अगर आप 8:30 तक आ जाएं तो बहुत अच्छा है। हरी प्रसाद जी भी उसी टाइम पे आ रहे हैं जी। हाँ, तो आप बिल्कुल हम आपको जल्दी फारिग कर देंगे जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुरेश भाई, थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू। प्रणाम जी। सॉरी बीच में। अब ये भी ऐसे कलाकार हैं कि जिनको बचपन से सुन के हम लोग ने, और सीखना खाली गुरु से ही सीखना नहीं होता, आप अगर अपने कान खुले रखो ना, आंखें और कान, तो आप हर दिन हर किसी से सीख सकते हैं। मेरे गुरुजी तो कहते थे कि सुनना आधा रियाज सुनना ही होता है। बिल्कुल लर्निंग और आधा रियाज सुनकर ही हो जाता है। तो बिल्कुल आई थिंक इस एल्बम से जुड़ी 2-3 चीज़ें मैं और बोलना चाहूँगा कि चैलेंजिंग बहुत था ये काम। ये एल्बम अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था। क्यों चैलेंज था? क्योंकि बाबुल मुरा ऐसे ऐसे कलाकारों ने गाया है, तो एक सेकंड लगेगा लोगों को क्रिटिसाइज़ करने में या उसको वॉश आउट करने में, बट वो ईश्वर की कृपा से वो मौका नहीं देंगे।
अब जैसे दूसरा है ट्रैक हमरी अटरिया, बेगम अख्तर जी ने गाया, तो ये लोग ऐसे नाम हैं जिन्होंने इतना कुछ छोड़ा हुआ है, कोई हाथ नहीं डालता। क्योंकि मैं अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई मेरी बात का गलत मतलब ना ले, कि इस काम को समझने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमारी एक जो कहना चाहिए कि 2-2.5 साल की जो तपस्या थी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। फिर जो दूसरा ट्रैक है, तीसरा ट्रैक है सैया बिना घर सूना मिश्र पहाड़ी में, तो ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि हमारे घर नज़ाकत अली, सलामत अली खान साहब बहुत आए हैं, बहुत रहे हैं। मैं उनके गोद में कह सकता हूँ कि बड़ा भी हुआ हूँ, तो वो बचपन से वो सुनते, और कमाल की बात क्या है कि इनका भी वही शौक है, वही सुनना है, तो उनको सुन के अब उनके जो आप लाइव कॉन्सर्ट्स देखें तो वो सैया बिना घर सुना वो 2-2, 2.5-2.5 घंटे के हैं। अब उसको आपको 5 मिनट में लाना है, 6 मिनट में लाना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो किया। फिर उसके बाद जो लास्ट ठुमरी इस एल्बम की, लाखों के बोल सहे राग भिन्न षडज, उसको हेमंत भी कहते हैं और उसको कौशिक धोनी भी कहते हैं अगर पंचम लग जाए उसमें, तो मिश्र भिन्न षडज कह सकते हैं। अब वो हमने सुना है उस्ताद गुलाम अली साहब के सुरीली आवाज़ से, हाँ, और बहुत स्टडी किया है उनसे इंस्पायर होकर के, उनको सुन के। और जो ठुमरियाँ हम करते थे तो ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया, ऐसा नहीं, किस किस ने गाया, किस तरीके से गाया है, वो सारी चीज़ों को कैप्चर करना और उसको 5-6 मिनट में ढालना, वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम था। फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा था तो ट्रैक नहीं था, ओपन था सारा कुछ, मतलब एक क्लिक ट्रैक थे, टक टक टक, और तानपुरा था, उसमें इनको गाना था। चैलेंज तो था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा इजी था कि मुझे जो भी गाना था मैंने गा दिया। बाद में ट्रैक जो भी गाना था वो तो नहीं किया, बहुत बहुत सोच समझ के ये चीज़ काटना छाटना पड़ा वो।